नहीं, ये बहुत ही श्रेष्ठ स्तर का कार्यक्रम है और जो यहाँ लोग आए हैं और जो अपने व्यूज़ शेयर कर रहे हैं, ऑडियंस में जो लोग हैं वो बहुत ही विद्वान लोग हैं, स्पेशली शिक्षा क्षेत्र के बारे में। ये बहुत टाइमली भी है क्योंकि वैसे तो बहुत कुछ हो रहा है हमारे देश में, नई एजुकेशन पॉलिसी भी आई है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन क्यों करना है, ये सब इसको कैसे आगे बढ़ाएं, जो लोग कर रहे हैं उनके क्या उदाहरण हैं कि कैसे कर रहे हैं, ये सब जो शेयर किया जा रहा है वो बहुत वैल्यूबल है। नहीं, मैं ये देखता हूँ कि देखिए, एक तो कॉन्फ्रेंसेस और इस तरह की गोष्ठियाँ बहुत होती हैं, लेकिन टेलीविज़न चैनल के से जुड़कर करने में एक एडवांटेज ये है कि वो मच वाइडर ऑडियंस को जाता है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है इस कॉन्फ्रेंस के बारे में। दूसरी बड़ी बात है कि ईस्टर्न इंडिया में जनरली उतनी एक्टिविटी नहीं है, तो एक तरह से ये यूनिक है कि हम लोग भुवनेश्वर में हैं और उड़ीसा में हैं और बगल के स्टेट्स को भी इस तरह की इनिशिएटिव्स करनी चाहिए और उससे लर्न करना चाहिए। तो आई थिंक एक रीजनल जो इम्पोर्टेंस इसको मिल रहा है वो मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो दर्शक हैं उसमें काफ़ी युवा होंगे और उनके अभिभावक, उनके अध्यापक, टीचर्स, प्रोफेसर्स होंगे। उनको मैं इनक्रेज करूँगा कि बच्चों को, यंग पीपल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करें पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। आज के दिन में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं हमारे यंग पीपल के लिए, तो उनको बताएं कि हार्ड वर्क करके और पढ़ के आप कुछ भी कर सकते हो। और हमारा देश अभी इस वक्त ऐसे जगह पे है कि हमारे पास बच्चों के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो हमें हताश नहीं होना चाहिए और हमें सोच के चलना चाहिए कि हम कुछ भी कर सकते हैं अगर हम हुनर से पढ़ें और लिखें।